नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे दो मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। देहरादून के सहिया में सीएम धामिनी की पदयात्रा, जनसभा को भी किया संबोधित। बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के समर्थन में लोगों से की वोट की अपील। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड दौरा प्रभावित, प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने दी जानकारी। कहा 5 सीटों में दौरा करेंगी कुमारी शैलजा। पूर्व सीएम हरीश रावत भी रहे मौजूद, बीजेपी पर साधा निशाना। कहा विपक्ष को समाप्त करना चाहती है बीजेपी। पांच सीटों पर 55 प्रत्याशियों में होगी टक्कर। नाम वापसी के आखिरी दिन केवल एक प्रत्याशी ने नामांकन लिया वापस। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बलराज पासी ने केजरीवाल को लेकर विपक्ष पर कसा तंज। बोले, इन्होंने ही घोटाले का आरोप लगाया, अब यही दे रहे समर्थन। नानकमत्ता गुरुद्वारे के कार्यसेवक डेरा प्रमुख की हत्या के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने किया हमला। बोले, कानून व्यवस्था हो चुकी चौपट, जल्द होनी चाहिए गिरफ्तार। कांग्रेस के कुनबे में हुई बढ़ोतरी, नपा के दो पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस में हुए शामिल। बोले, कांग्रेस में लोगों को मिलता है सम्मान। रुड़की में बसपा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन, बसपा के सभी बड़े नेता रहे मौजूद। बोले, सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती जानती है कांग्रेस। हल्द्वानी में मोटर पार्ट्स की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नैनीताल पुलिस का स्पा सेंटरों पर छापा, 3 नेपाली मूल की युवतियां की गिरफ्तार, 3 युवकों की भी हुई गिरफ्तारी। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चकराता विधानसभा के सैया क्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने टिहरी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के समर्थन में जनता से समर्थन मांगा। अपने संबोधन में उन्होंने मोदी सरकार की ओर से 3 तलाक से लेकर धारा 370 CA सहित तमाम मुद्दों को गिनाते हुए जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। महोत्सव की बात हो, मैं सारे कार्यक्रमों और मोदी जी ने कहा है कि उनके जो तीसरा टर्म होगा, यानी आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी जब 4 दिन के बाद फिर से प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे, तो भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मोदी सरकार ने भारत में अनेक काम शुरू किया है, स्टार्टअप शुरू किया है, मेक इन इंडिया शुरू किया है, जिसकी वजह से आज देश आत्मनिर्भर बन रहा है। नौजवानों को, युवाओं को, हमारी मातृशक्ति को, माताओं को, बहनों को आज अनेक क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिल रहा है। स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, अपने स्थानीय उत्पाद बनाने के अवसर मिल रहे हैं। मैं पूरे मातृशक्ति के उत्सव जो पूरे राज्य के अंदर हमने करे थे, मातृशक्ति के उत्थान के लिए उनको एक मंच मिले, उनको एक स्थान मिले, उनका मनोबल बढ़े, उनका उत्थान हो, वो हर प्रकार से आत्मबल बढ़े, अपने आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़े हों, अपने रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम करें। इसके लिए जब मैं मातृशक्ति के उत्सव में पूरे प्रदेश के अंदर गया तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारी मातृशक्ति की प्रतीक के रूप में देखे कांग्रेस पार्टी ने एक भी मातृशक्ति को नहीं लगाया। उत्तराखंड में 5 सीटें आपने देखा है, उन्होंने किसी ने परिवार के लोगों को लगा दिया, किसी ने जो है खाली जो है कोटा पूरा कर दिया, और चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है ये उनको अच्छी तरह पहले ही मालूम था। इसलिए उन्होंने आपके यहाँ भी ऐसे महानुभावों को टिकट देकर भेज दिया जो स्वयं में जिनकी इच्छा नहीं थी कि चुनाव के मैदान में खड़े हों।
लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अपने प्रचार अभियान में जुट गई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन जगहों पर विभिन्न रैलियां कर अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव को बेहद गंभीरता से लेती है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं प्रचार में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही लगभग 23 विधानसभाओं को केंद्रित करते हुए बूथ के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। देखिए, हम लोग हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। हम अति आत्मविश्वास में कोई चुनाव लड़ते नहीं है। चुनाव चुनाव के विषय होता है और मैं आज कह सकता हूं हमारा कार्यक्रम बूथ स्तर का कार्यकर्ता चुनाव को चुनाव के ढंग से लड़ते लड़ते हर बूथ को जीतने का लक्ष्य हमने लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभाएं कर रहे हैं, अध्यक्ष होने के नाते मैंने जितनी विधानसभा जो हमारी हारी हुई उन विधानसभाओं के बूथ प्रधान बूथ टोली की बैठकें मैं ले रहा हूँ। 4 विधानसभा में मेरी हो चुकी, आज 2 विधानसभा मेरा जाना और हम भी लगभग 23 विधानसभा जो हारी विधानसभा है उसको केंद्र करते हुए बूथ के प्रबंधन के कारण। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत इस दौरान जनसभाएं करते नजर आ रहे, विभिन्न वर्गों के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे। उन्होंने व्यापारियों, खिलाड़ियों और डॉक्टर समेत कई वर्गों के साथ संवाद किया और उनकी राय को जाना। इस दौरान व्यापारियों के कई गुटों ने यहां के व्यापार और तीर्थ यात्रियों की सुविधा पर ध्यान देने की बात कही। व्यापारी संवाद में हर की पैड़ी कॉरिडोर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। पहले भी तमाम जब हम संकल्प पत्र के लिए सुझाव दे रहे थे तब भी हम तमाम वर्गों को मिले और अब जब प्रत्याशी डिक्लेयर हो गया और मुझे लोकसभा हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है तो मैं एक बार फिर तमाम जो समाज में विविध लोग जो अलग अलग तरीके से अपना काम करते हैं, कोई व्यापारी हैं, कोई विद्यार्थी हैं, कोई खिलाड़ी हैं, कोई पंडित पुरोहित संस्कृति कर्मी इंडस्ट्रीज, तो सबसे मैं मिल रहा हूँ और उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए एक बार फिर उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपील कर रहा हूँ। और हमारे साथियों का, हमारे पदाधिकारियों का एक मानना है, जिस प्रकार देश में विकसित भारत की कल्पना मोदी जी ने करी है, हम चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आए और हम भारत को मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य करें। लेकिन उसके साथ साथ व्यापारियों के लिए बीमा पेंशन योजना, व्यापारियों के लिए व्यापार नीति आयोग का गठन जैसी गुजरात में योजनाएं व्यापारियों के लिए लागू है, अन्य प्रदेशों में लागू है, वो उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भी लागू हो, जिससे व्यापारियों का अहित ना हो, व्यापारियों को वो सुविधाएं मिले जिससे कोई आकस्मिक समय पर अपना घर का लालन पालन पोषण कर सके। और इनकी बीमे की राशि 5 से 10 लाख रुपए होनी चाहिए, इनको पेंशन के रूप में योजनाएं मिलनी चाहिए और व्यापार लगाने के लिए, रोजगार लगाने के लिए व्यापारियों को एक बजट का प्रावधान होना चाहिए। ऐसा 9 सूत्रीय ज्ञापन हम लोगों ने तैयार किया है। उत्तराखंड में बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को झटके देती नजर आ रही है। आपको बता दें, इसी बीच ये जानकारी सामने है, कांग्रेस समेत तमाम दलों के सैकड़ों नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोगों का आना हो रहा है और क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री कार्यक्रम और नड्डा जी कार्यक्रम के बाद एक श्रृंखला और नए लोगों को जोड़ने की रहेगी और आज एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे दल में आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। कुछ दिनों आप देखेंगे संख्या और बढ़ेगी। मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में जन प्रचार का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें, अपने प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के प्रचार प्रसार को लेकर इन दौरान तैयारियां देखी जा रही। वहीं मसूरी के चुनाव कार्यालय में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा के नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर रणनीति बनाई गई। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर प्रचार प्रसार करने के साथ ही सभी बूथों को मजबूत बनाए जाने का आह्वान किया। 400 पार तो आसानी से हो जाएंगे और हम किसी भी चुनाव को सामान्य रूप से नहीं लेते,
चाहे हमें 99% भोग पड़े लेकिन हम उसको चुनौती के रूप में लेते हैं और आखिरी समय तक अपने प्रत्याशी के लिए जी जान मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं। हमें पता है कि भाई मोदी लहर है, आज देश को विकसित भारत बनाने के लिए, कृषि अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जनता जुड़ी हुई है, जनता अपने मन से मोदी जी को वोट देना चाह रही है, लेकिन फिर भी हम उनके द्वार जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं कि मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। और ये बात लोग खुद स्वयं कह रहे हैं तो उनसे लग रहा है कि बहुत आसान चुनाव है, लेकिन हम आसान नहीं लेते हैं, हम चुनौती के रूप में लेते हैं। ये चुनाव 400 पार के लक्ष्य को लेकर लड़ा जा रहा है और ये चुनाव पिछले चुनाव से भिन्न इसलिए है कि आम जनता पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल से मोदी जी से इतनी प्रभावित है कि मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है, तो जीत भी पिछली बार से ज़्यादा होगी और संख्या भी पिछली बार से ज़्यादा आएगी। इस बार मोदी जी ने जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां हासिल की हैं वो सब जनता की स्मृति में ताजी हैं और उन स्मृतियों उन उपलब्धियों को भारत की जनता भूली नहीं है, इसलिए ये चुनाव बहुत सरल है। भले ही कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में हो, भले ही निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हो, वो केवल अपनी उपस्थिति दर्ज मात्र कराएंगे और उपलब्धि कोई नहीं उनकी होगी। बहादुराबाद में कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। आपको बता दें इस दौरान तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं वीरेंद्र रावत के साथ तमाम कार्यकर्ताओं सहित उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को समाप्त करना चाहती है, जिसके लिए वह विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई करवा रही है। इसके साथ ही उन्होंने मैं भी पप्पू अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो कांग्रेस जल्दी ही मैं भी पप्पू अभियान की शुरुआत करेगी। इतनी है और कई मुद्दे तो ऐसे भाई देना चाहता हूँ बहादुराबाद क्षेत्र के और इस विधानसभा क्षेत्र रानीपुर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कि वो अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि रानीपुर इस बार इतिहास बनेगा और एक नई शुरुआत। पप्पू घर का प्यारा होता है, हर किसी का प्यारा होता है। गप्पू जो है समाज के अंदर झगड़ा पैदा करवाता है, गप्पू जो है गपास करता है, झूठ बोलता है, लोगों को भ्रमित करता है, केवल गाल बजाता है। तो गप्पू के लिए जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि भाजपा गप्पू है, इसलिए उसके विषय में जितना कहा जाए कम। हमारा नारा सिंपल यह है, भाजपा को आ गया अहंकार, इनको करो कड़ी पार। बहादुराबाद में हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र की जनता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायकगण और हमारे सीनियर लीडर, घर घर के नेता हरीश रावत जी आए, मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जैसा कि आज आप जानते हैं पूरे देश में एक बदलाव के बयार बह रही है और इस बदलाव का चेहरा है राहुल गांधी जी। राहुल, देश की जनता राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और उत्तराखंड में न सिर्फ हम हरिद्वार जीतेंगे बल्कि पांचों की पांचों लोकसभा सीटें हम जीतने का काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पप्पू और गप्पू के बीच तुलना करते हुए वीरेंद्र रावत के लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस पर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने हरीश रावत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसे कई करोड़ लोग होंगे जिनके घर में प्यार से किसी न किसी को पप्पू पुकारा जाता है, लेकिन बीजेपी पार्टी के सभी नेता गप्पू हैं, उन्हें सिर्फ जुमलेबाजी करना आता है। रावत जी ने जो बोला है, उन्होंने ये बोला है कि कोई भी परिवार का जो प्यारा बच्चा होता है, किसी को अच्छा लगता है तो माँ बाप उसको पप्पू के नाम से संबोधित करते हैं, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। आप पप्पू अगर बात प्यार की बात करेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिनको माँ बाप प्यार से पप्पू के नाम से वो करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि गप्पू और पप्पू में बड़ा फर्क है। गप्पू की तुलना उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से करी है। उन्होंने जिस प्रकार से गप छोड़ी है, जो जुमले छोड़े हैं,
उन्होंने 10 साल का जो अपना शासनकाल गुजारा है उसमें उन्होंने क्या कहते हैं कि विकास के नाम पे कोई ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने कहा था कि काला धन आएगा तो 15-15 लाख रुपए एक अकाउंट में आएंगे, सबसे बड़ी गप्ती है। उन्होंने कहा था कि हम एक साल में 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे, वो भी गप साबित हुई, गप्पू निकले। उन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई। आज भी किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली में धरने में बैठा हुआ है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस उनके ऊपर छोड़े जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा जुमला निकला, गप निकला। ये भाजपा के नेता ही कह चुके हैं कि ये सिर्फ जुमले हैं, जुमले में और काम करने में बड़ा फर्क होता है। तो रावत जी ने जो बोला कोई गलत बात नहीं बोली है, पूरे कांग्रेस के लोग उसका समर्थन करते हैं। निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां हैं उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस की ओर से नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के प्रत्याशी प्रकाश जोशी काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं में चुनावों के लिए जोश भरा। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यालय में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित त्रिदेश समेत कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दम भरा। पांच सालों की सांसद की हमारे अजय बाजी की जो निष्फलता है, उनकी जो उदासीनता इस क्षेत्र के प्रति, वो अपने आप में जनता उसका जवाब मांग रही है और उसका जवाब यही होगा कि यहाँ कांग्रेस जीतेगी। किस तरीके से बूथ स्तर पर अपना आपको कांग्रेस मजबूत करती हुई? कांग्रेस लगातार इस प्रदेश सरकार के खिलाफ और राष्ट्र की सरकार के खिलाफ सड़क पर जनहित के मुद्दे लड़ रही है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मजबूत है, बूथ स्तर पर मजबूत है। प्रदेश कांग्रेस में लगातार इस्तीफे का दौर जारी है। इसी कड़ी में महेश शर्मा ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसको लेकर पार्टी के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि महेश शर्मा के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। देखिए, कोई झटका नहीं है, उनका मन ही नहीं लग रहा था कांग्रेस में। कांग्रेस ने आदरणीय महेश शर्मा जी को बहुत कुछ दिया है। एक समय था जब उनकी पत्नी को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया, उनको कालाढूंगी से उनको 2022 में प्रत्याशी बनाया, उन्होंने पार्टी से बगावत की, उसके बाद हमने उनको उम्मीदवार बनाया। 2012-2017 में पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, पार्टी उम्मीदवार को हराने का काम किया, इसके बावजूद भी पार्टी ने 2022 में उनको उम्मीदवार बनाया और पार्टी में वो लगातार महामंत्री रहे, माननीय यशपाल आर्य जी की कमेटी में और प्रीतम सिंह जी की कमेटी में, गोदियाल जी की कमेटी में, और आज भी प्रदेश के महामंत्री हैं। तो इससे ज्यादा अब कौन सा सम्मान चाहिए साहब, आप ही बताइए। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच नगरपालिका के 2 पूर्व अध्यक्ष हाजी अनवर अहमद और हरीश दुबे ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। उन्हें नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान निवर्तमान पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने कहा कि कांग्रेस में लोग अपनी मर्जी से जुड़ते हैं। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। मुझे लगा कि मुझे अब ऐसे दल में जाना चाहिए जहां पर सभी समुदाय के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को जो है कि सम्मान दिया जाता है, और मुझे लगा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी वर्ग के लोगों को पूर्ण सम्मान मिलता है, मान मिलता है। और यहां पर देखिए कि जो लोग जुड़ रहे हैं वो अपने मन से जुड़ रहे हैं और स्वतः जुड़ रहे हैं। और आप देखिए भाजपा में कैसे जुड़ रहे हैं, किसी पे मुकदमा लगा दिया जा रहा है वो जुड़ रहा है, किसी का उत्पीड़न कर दिया जा रहा है वो जुड़ रहा है, या किसी के साथ ब्लैकमेलिंग कर दी जा रही है वो जुड़ रहा है। आप ये लगाइए कि वहां पर आज भाजपा में जो लोग जा रहे हैं वो 2 तरीके के लोग जा रहे हैं, या तो वो धन कमाने जा रहे हैं या फिर वो चोर हैं। तो इस तरीके, क्योंकि चोरी से बचने के लिए वो जा रहे हैं या वो धन कमाने जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कांग्रेस में भी धीरे धीरे जो लोग जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। नाम वापसी के आखिरी दिन केवल अल्मोड़ा लोकसभा सीट से 1 प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया है। अब नामांकन वापसी का समय समाप्त होने के बाद 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगटंडे ने बताया कि अब टिहरी लोकसभा सीट से 11 प्रत्याशी, हरिद्वार लोकसभा सीट से 14 प्रत्याशी, अल्मोड़ा सीट से 7 और नैनीताल सीट से 10 और गढ़वाल से 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इसके 6:30 बजे आज नामांकन पूर्ण होने के प्रक्रिया में नाम वापसी का दिवस तय था और 3 बजे तक पूरे
हमारे जो राज्य में 5 लोकसभा सीट है उसमें केवल 1 नाम वापसी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट है वहाँ पर श्री अर्जुन कुमार देव जी इन्होंने अपना नाम वापस लिया है, निर्दलीय थे। और इसके पश्चात अभी 5 लोकसभा सीट्स में कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें टिहरी में 11, गढ़वाल लोकसभा सीट पर 13, अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 7, नैनीताल लोकसभा सीट पर 10 और हरिद्वार लोकसभा सीट पर 14 प्रत्याशी अभी चुनावी मैदान में हैं। रुड़की में बसपा प्रत्याशी मौलाना जमील कासमी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर बसपा के बड़े नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल सिंह ने कहा कि बसपा सभी वर्गों को साथ लेकर चलना जानती है, साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही काम करवाने वाली व्यक्ति हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस लोकसभा में वो हम युवाओं के लिए और सभी के लिए ज्यादा से ज्यादा काम लाने का और करवाने का काम करेंगे और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है यहाँ अतुल्य जनता से इस लोकसभा की कि वो हमारे प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे, हम सब उनके साथ हैं। बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी बराबर संपर्क में हमारी माननीय बहन मायावती जी रहती है और बहुजन समाज पार्टी कैडराइज पार्टी है, इसलिए बसपा कभी कमजोर नहीं हुई। कांग्रेस के पास है क्या? कांग्रेस के पास है क्या? बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी 2 लाख से गिनती शुरू करेगा और जो कांग्रेस मुस्लिम समाज पर ध्यान लगाई बैठी है ना, वो 60% बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। बस हम तो यही कि विकास के जितने भी काम है किए हैं, काम किए हैं और करेंगे, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे किसान मजदूर का जो और समस्या है वो हो, करके दिखाया है। अब आगे भी नहीं, बहुत पुराना है, सारी पैदाइश मेरी यही है, मेरी अम्मी यही है, मेरी वही यही है, मेरी नानी यही है, सब कुछ यही है मेरा तमाम ये। और मेरा ये जो विधानसभा क्षेत्र है बिल्कुल डोल से डोल मिली हुई लोकसभा की, और मेरा जो घर है फुरकाजी उसकी डोल से डोल मेरा पूर्व विधानसभा की मिली हुई है, तो मेरा तो सारा कोई गाँव ऐसा है कि जिसमें बात दिन आना जाना ना हो। नानकमत्ता गुरुद्वारा के कार्य सेवक डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि दिन दहाड़े खुलेआम गुरुद्वारे के प्रमुख सेवादार की हत्या होना यह साबित करता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। केजरीवाल जी जेल में बंद हैं, शराब कांड में बंद हैं, अब उस घोटाले पे तो निर्णय जो है वो कोर्ट करेगा क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन नैतिक रूप से वो लोगों को बताएं कि उनको जो जनता ने चुना था, जो उन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन में भाग लिया था, उसमें ये शराब की नीति बनाने के लिए उनको बनाया गया था, शराब बेचने के लिए बनाया गया था। दिल्ली में पहले ऐसा नहीं था कि जो है महिलाएं जो है उनके लिए अलग सुविधाएं दे, उनके लिए पिंक जो है दुकानें जो वो खोली गई शराब की, वो नैतिक रूप से ही नहीं जो है कहीं वो खरे उतरते हैं, उनकी आंख बिलाने की जनता से क्षमता ही नहीं है। और ये जो विपक्षी दल उनके साथ समर्थन खड़े होने का जो नाटक कर रहे हैं वो भी अंदर से खुश हैं। ये तो कांग्रेस के नेताओं ने जो वहां एप्लीकेशन दी, गवर्नर को एप्लीकेशन दी और शिकायत की कि साहब जो इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ उसी के बाद तो जांच शुरू हुई है, और वो मंच पे कुछ और बोलते हैं, प्रेस वालों से कुछ और बोलते हैं, पीछे मुंह घुमाकर जो हंसते हैं बोले अब ठीक हुआ अब ये औकात में आया। तो ये तो उनका आंतरिक संघर्ष है, केजरीवाल जी के साथ अगर वो आज खड़े दिखाई दे रहे हैं तो ये भी पूरी तरीके से उनका नाटक है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही कि जय गणेश जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।